गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन शुरू करेंगे, यानी श्वसन का किस प्रकार से पद स्टार्ट होता है। अब जैसे सबसे पहले एक मिनट देखिएगा, दो तरह की प्रोसेस यहाँ हम लोग देख रहे थे। पिछले क्लास में जब अभी चैप्टर स्टार्ट किए थे तो दो चीज़ें आपको बताया गया था, एक रिस्पायरेशन और दूसरा ब्रीदिंग। ऐसे रिस्पायरेशन इज कॉमनली कॉल्ड, रिस्पायरेशन को सामान्यतः हम लोग कॉमनली कॉल्ड ब्रीदिंग। हम रिस्पायरेशन, ब्रीद करने का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना, और रिस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन की प्रक्रिया। तो रिस्पायरेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन आने के बाद हमारे बॉडी में, हम आपको बताए थे कि कुछ वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज होता है हमारे टिश्यू में, और इस टिश्यू का ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकृत करने के बाद, ऑक्सीडाइज करने के बाद ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है, जब ये बॉडी में एंट्री करता है, तो उस समय में ये हमारे टिश्यू में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि उसे ऑक्सीकृत करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और दूसरे तरफ में हमें इनर्जी प्राप्त होता है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, जिसमें कि हम क्या ऑक्सीजन को जब बॉडी के अंदर लिए, तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो है इससे टूटते हैं और टूट ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और फिर ये इनर्जी जो हमें मिलता है, ये इनर्जी हमारा बॉडी इसे कंज्यूम कर लेता है। बात समझ में आई? तो ये पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलेंगे जी? रेस्पायरेशन कहते हैं। ये रेस्पायरेशन हो गया। तो सर, ब्रीदिंग किसको कहते हैं? भाई, ब्रीदिंग का मतलब होता है जैसे O2 का लेना, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे सेल अथवा बॉडी से निकालना, इसी के एक्सचेंज के प्रक्रिया को, यानी कि विनिमय के प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। बस थोड़ी सी अंतर है इसमें। क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग, आप अक्सर ऐसे सुनिएगा कि रिस्पायरेशन इज कॉमनली कॉल्ड ब्रीदिंग, मतलब कि रिस्पायरेशन को ही हम लोग सामान्यतः ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन में, ब्रीदिंग में थोड़े बहुत अंतर है। क्या अंतर है भाई? तो रिस्पायरेशन का मतलब होता है ना कि ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में आता है, तो हमारे बॉडी के अंदर ये प्रवेश करने के बाद बॉडी में मौजूद ग्लूकोज या अन्य न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है, और न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और उसी के साथ ही साथ इनर्जी हमारे बॉडी को प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस कहलाता है क्या? रिस्पायरेशन, ठीक है, यानी श्वसन, और ब्रीदिंग जो होता है सांस लेना, ये प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो वातावरण से, एटमॉस्फेयर का शॉर्ट यहाँ लिखे हुए हैं, वातावरण से ऑक्सीजन को लेना, और बॉडी से यानी कि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, और इस एक्सचेंज को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, और श्वसन का सांस लेना कहलाता है। बात समझ में आया क्या? आया समझ में कि ब्रीदिंग और ये रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है? अब हम लोग को यहाँ पढ़ना है रिस्पायरेशन के स्टेप के बारे में, या फिर श्वसन का कौन कौन सा स्टेप है, तो एक एक करके हम लोग स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो इसको हटा दिया जाए, बस इस बात को याद रखेंगे रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग का मतलब। अब आते हैं हम, इसमें स्टेप है कुछ रिस्पायरेशन का, यानी कि श्वसन का कुछ स्टेप है। अब ये श्वसन का कौन कौन सा स्टेप है, तो देखिए जरा, सबसे पहली बात ये, ऐसे
अब देखिएगा, इसमें सबसे पहली बात कि हम ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है फुफ्फुसिए, यानी कि सांस का लेना। आप ऑक्सीजन को जब अंदर लीजिएगा तो ये ब्रीदिंग कहलाता है ना, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िएगा तो ये ऑक्सीजन को लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए, तो ये एक प्रोसेस क्या है, ये क्या है जी, ब्रीदिंग है। लेकिन ऑक्सीजन का आना, उसके बाद ऐसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को तोड़ रहा है, उसके से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी श्वसन कहते हैं। तो इस तरह मान लीजिए कि सबसे पहले स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन यानी श्वसन का क्या क्या स्टेप है पहले समझेंगे। सबसे पहले कि ब्रीदिंग करना यानी कि श्वसन करना। जब सांस हम लेते हैं, सांस लेने के बाद गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके बीच, किसके बीच गैसों का विनिमय होगा, तो गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े, लंग्स की एल्विओलाई, हमारे फेफड़े के एल्विओलाई एंड ब्लड और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो आपको हम बताए हुए थे कि हमारा दो पार्ट होता है जो इसको ले जाने का काम करता है, मतलब तो दो पार्ट में बटा हुआ है। उसमें पहला नंबर में है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है क्या, रिस्पायरेटरी पार्ट। बताए थे कंडक्टिंग पार्ट, जैसे कि अभी तीन लेक्चर आपको इस चैप्टर का डाला गया है, तीनों लेक्चर अगर जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक एक चैप्टर समझ में नहीं आएगा आगे का टॉपिक। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जब लेक्चर डाला जा रहा है, तो आप उसको ईमानदारी के साथ देखिए, अगर नहीं देखिएगा तो हम डिलीट कर देंगे उसको, 1 से 2 दिन के बाद सारा वीडियो डिलीट हो जाएगा, अनलिस्टेड हो जाएगा, यूट्यूब पे नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, वो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप उसको कितना जल्दी देख लिए, और फिर बाद में आप मांगिएगा तो फिर दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार अपलोड किए फिर दोबारा डिलीट करके अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम हटा देंगे। ये भी जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ आज रहेगा, कल सुबह में ये हट जाएगा, आपके यूट्यूब पर नहीं दिखाई देगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी इसको देख कर कम्प्लीट करें। अब डेली का डेली अगर आप नहीं करिएगा, आखिर आगे पढ़ाया जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले जब आप ऑक्सीजन को, दो को पार्ट में था कि एक तो था कि गैस को ले जाने का काम कर रहा था, जिसका नाम हो गया कंडक्टिंग पार्ट, संवाहक नलिका, ठीक है, या संवाहक भाग। ये दूसरा क्या था, रिस्पायरेटरी पार्ट। रिस्पायरेटरी पार्ट में क्या हो रहा था, जिसमें, या एक्सचेंज पार्ट उसको बोलते थे, जिसमें विनिमय हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का विनिमय हो रहा था। अब ये यहाँ देखेंगे, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स की एल्विओलाई। सबसे पहले ऑक्सीजन जब आप बाहर से लेते हैं तो आपके ये फेफड़े के कूपिका में पहुंचता है। फेफड़े के कूपिका में पहुंचने के बाद ये फेफड़े के कूपिका से अब कहाँ चला जाएगा जी, ये रक्त में चला जाता है, क्योंकि हमारे रक्त के द्वारा ही उसको टिश्यू में पहुंचना है, क्योंकि टिश्यू में ही मौजूद होता है क्या, क्या होता है जी, टिश्यू में मौजूद। अरे ऑक्सीजन आप सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि भाई ले लिए, लेके फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ देना है। सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, आखिर कहीं ना कहीं कोई चीजें टूट रहा होगा, तब तो आप अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं। आप सबसे पहले क्या किए कि ऑक्सीजन को लिए यानी सांस, श्वसन किए। श्वसन करने के बाद ऑक्सीजन जब आपके अंदर लंग्स के एल्विओलाई कूपिका में आया, तो कूपिका के बाद ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद अब गैस का ट्रांसपोर्ट यानी कि अब ये गैस का परिवहन होगा, मतलब अब गैस आपके ब्लड के साथ एक जगह थोड़ी रहेगा, अब एक जगह से दूसरे जगह पूरे बॉडी में ये फैल रहा है, बस समझ में आया कि नहीं। यानी कि गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है, गैसों का परिवहन होगा, O2 ट्रांसपोर्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा। जैसे कि आप ऑक्सीजन नीचे लिए तो नीचे की तरफ ऑक्सीजन जा रहा है, और ऊपर की ओर आप में क्या आ रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में हमेशा क्या हो रहा है जी, परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब आपका गैस जो आया हुआ था, जो आपने गैस को, ऑक्सीजन को जो भेजे थे आप यहाँ एल्विओलाई से कहाँ, ब्लड में, और ब्लड से उसको कहाँ भेज दीजिएगा, जाओ भाई टिश्यू में, क्योंकि तुम्हारा काम, मुख्य काम तो टिश्यू में है, तो ये टिश्यू में आएगा। टिश्यू में आने के बाद क्या करेगा, सेलुलर और टिश्यू रेस्पायरेशन होगा, वहाँ टिश्यू रेस्पायरेशन होगा, ऊतक में या कोशिकीय श्वसन होगा वहाँ। अब कोशिकीय श्वसन कैसे होगा, तो टिश्यू के अंदर मौजूद
कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जो है न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेगा और तोड़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और इनर्जी प्राप्त होगा, ठीक है। और उस इनर्जी को हमारा शरीर जो है अपने आवश्यकता अनुसार एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। बस समझ में आया? तो हेडिंग डालिए स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन का प्रक्रिया या श्वसन का पद कैसे कैसे होगा, ये श्वसन का पद या श्वसन की प्रक्रिया। लिख लिए हेडिंग डालिए श्वसन के पद या फिर श्वसन के चरण लिख लीजिएगा, कितने चरण में श्वसन होता है पहले इसको आप नोट करिए, फिर हम हिंदी भी बोल देते हैं। बीच बीच में आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलें और शेयर भी कर लें। हिंदी उतार लीजिए, सॉरी हिंदी लिखिए। श्वसन में निम्नलिखित, उसके नीचे से हिंदी लिखते चलिएगा, उसमें हिंदी नहीं भरना है, जहाँ तक ये लिख लिया ना उसके नीचे से हिंदी लाइन से लिखते चलिए नीचे, फिर वैसे ही लिखेंगे श्वसन में ना, उतना में नहीं हटेगा तो दूसरा तरीका से फिर लिखाएगा, वो छोड़ दीजिए। हाँ उस पर मोह माया छोड़ दीजिए जो पहले से लिखे हुआ है उसका। अगला लिखिए श्वसन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, श्वसन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे पहला नंबर पॉइंट में लिखिए फुफ्फुसीय संवातन वेंटिलेशन, यानी कि संवातन, फुफ्फुसीय संवातन, ठीक है। फुफ्फुसीय संवातन, फुफ्फुसीय संवातन ब्रैकेट में लिख लेंगे श्वसन, ब्रैकेट में लिख लेंगे श्वसन, फुफ्फुसीय संवातन यानी कि श्वसन। पूरे रिस्पायरेशन के प्रोसेस बता रहा है यहाँ पे, और रिस्पायरेशन में ही ब्रीदिंग आता है, समझ रहे हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये बात तो समझ में आ रहा है ना। यानी श्वसन बोल देने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ऑक्सीजन को अंदर ले लिए ना, ऑक्सीजन को लीजिए मन भर और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे मन भर छोड़िए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। उसके नीचे फिर एरो देकर दूसरे नंबर में लिखिए, अच्छा नहीं भी एरो ऐसा दीजिएगा, लाइनिंग ऐसे नहीं खींचिएगा, तो एरो ही देकर दूसरे नंबर में लिख लीजिए। दूसरे नंबर में लिखेंगे कूपिका तथा रक्त के बीच, कूपिका तथा रक्त के बीच गैसों का विनिमय, कूपिका तथा रक्त के बीच गैसों का विनिमय, कूपिका तथा रक्त के बीच गैसों का विनिमय हो गया, कूपिका तथा रक्त के बीच गैसों का विनिमय, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखिए रुधिर के द्वारा, रुधिर मतलब समझते हैं रक्त, यानी रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन या अभिगमन, रुधिर के द्वारा गैसों का परिवहन। अगला नंबर में लिखिए हो गया रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन या रक्त द्वारा गैसों का परिवहन या अभिगमन।
उसके बाद लिखिए रुधिर तथा, या रुधिर रक्त तथा, वही हुआ, रुधिर तथा ऊतकों के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण या विनिमय, यह लिखना है रुधिर तथा ऊतकों के बीच बीच गैसों का विनिमय, उसी को बोलेंगे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, गैसों का विनिमय। आ गैस माने कौन? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का विनिमय। लास्ट पॉइंट में लिखेंगे कोशिकीय श्वसन, हो गया। कोशिकीय श्वसन अथवा ऊतक श्वसन उसी को बोलेंगे। अच्छा, कोशिकीय श्वसन क्यों हो रहा है? कोशिकीय श्वसन क्या है? तो हमारे कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन यूज होता है। कैसे यूज होता है? तो जैसे जैसे आप ये उपापचयन क्रिया करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, अरे हमारे बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचयन क्रिया होता है। उपापचयन क्रिया का मतलब क्या हुआ? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन कहलाता है। तो हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन होगा, उन सभी केमिकल रिएक्शन के में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इसलिए चाहिए ताकि हमें ऊर्जा चाहिए, और ऑक्सीजन लेकर हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में मौजूद, हमारे टिश्यू में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम तोड़ेंगे, तोड़कर वहां से ऑक्सीजन एनर्जी निकालते हैं, फिर एनर्जी हमारा बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है काजी, बड़ी नींद आ रहा है, रात भर क्या हुआ है? हाँ चलिए अब सुनिएगा, इसको लिख लिए ना, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हो गया। उपापचयन, सॉरी, श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन लिखेंगे, श्वसन, ब्रीदिंग यानी श्वसन, सांस लेना, श्वसन, उधर श्वसन आप लिख रहे थे, रिस्पायरेशन यानी श्वसन, अब ब्रीदिंग यानी श्वसन। तो श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन में दो तरह का क्रिया विधि होता है, कौन कौन सा क्रिया विधि है जी? चलिए पहला नंबर में नोट करेंगे, पहला नंबर लिखे इंस्पायरेशन, और दूसरा नंबर में लिखिएगा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंत श्वसन, क्या बोलेंगे इसको? अंत श्वसन। और दूसरा क्या होता है? निः श्वसन, निःश्वसन, अंतः श्वसन और निःश्वसन। तो ब्रीदिंग का क्रिया विधि की अगर हम बात करें, श्वसन की कौन कौन सी क्रिया विधि है, तो इसमें दो तरह का क्रिया विधि है श्वसन करने में, श्वास लेने में। एक बार तो ऑक्सीजन को लेना, और दूसरा बार में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ए भाई, तो ऑक्सीजन को अंदर जब लेते हैं तो उसको इंस्पायरेशन, नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, एक्सटर्नल वर्ड से एक्स बना हुआ है, तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है, या इसी को इनहेलेशन कहते हैं, इनहेल, इनहेलर नहीं होता है, जो लोग बार बार, जिसको दमा का बीमारी होता है वो इनहेलर देखे देखिएगा अक्सर घूमते रहता है। तो इनहेलेशन कहने का मतलब होता है कि अंदर की ओर लेना, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन मतलब होता है बाहर की ओर निकालना। तो देखिएगा अब इसमें ब्रीदिंग में, अच्छा लेकिन अब इसमें क्या है एक चीज, अच्छा आप सांस को अंदर खींचते हैं तब एनर्जी लगता है, या सांस को बाहर छोड़ते हैं तब एनर्जी लगता है?
ए भाई, लेने में ना एनर्जी की आवश्यकता होती है, छोड़ना तो, सांस खींचने के लिए आपको दम चाहिए, एनर्जी लगेगा, समझ रहे हैं? और छोड़ने के लिए अभी किसी भी तरह से इसको आप एक बार मतलब छोड़ सकते हैं, छोड़ने में दिक्कत नहीं है आपको, लेने में ही दिक्कत है। तो जब ऑक्सीजन को आप खींचिएगा तो खींचने में आपको एनर्जी लगता है, तो जब एनर्जी लगता है तो इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ये इंस्पायरेशन जो होता है ना, ये सक्रिय प्रक्रिया, इंस्पायरेशन। अच्छा, छोड़ते हैं तो ये पैसिव होता है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, ठीक है? इसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं हो रहा है, ठीक है? हम इसे डायरेक्ट छोड़ सक रहे हैं। खींचने में हमको एनर्जी लग रहा है, छोड़ने में जो खींचे हैं आराम से उसको छोड़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा देखिए, मतलब ये प्रकृति का नियम कैसा है कि जब तक आप किसी से कुछ लिए हैं वापस नहीं दीजिएगा तब तक वो दोबारा आपको नहीं देने वाला है। जैसे ऑक्सीजन में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार में आप ऑक्सीजन वातावरण से खींच लीजिए खूब, अब फिर और खींचिए, फिर खींचिए, नहीं खींचाएगा ये, बदले में पहले आपको इसको कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ेगा तब ये खींच सकते हैं, अभी ना कि हल्का खींच के फिर खींच। हाँ सर, खींच तो ले रहे हैं, वैसे नहीं खींचना है, पूरा एक बार सांस ले लीजिए और फिर उसके बाद खींचिए, नहीं खींच पाइएगा, ठीक है? तो पहले छोड़ना पड़ेगा तभी आप खींच पाइएगा, ठीक है? तो इससे सीखिए कि हाँ कम से कम हमें प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि कोई भी चीजें अगर किसी से आप लेते हैं तो बदले में देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो फिर वो नहीं चलेगा। अब जैसे यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होता है ब्रीदिंग में, कौन? इंस्पायरेशन। अब ब्रीदिंग का कौन सा प्रोसेस है जो कि पैसिव है? तो ये एक्सपायरेशन, क्योंकि इसमें एक्टिव इनटेक कर रहे हैं भाई हम एयर का, तो अंदर की ओर सक्रिय रूप से हवा को खींचते हैं, कहाँ से? हेलो, वातावरण से ऑक्सीजन को फेफड़े में खींचते हैं अंदर, तो इंस्पायरेशन हुआ। आ जब हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं, वो भी निष्क्रिय रूप से, तो एक्सपायरेशन हुआ, ठीक है? पैसिव एक्सपेलिंग, एक्सपेल मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है? पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी कि फेफड़े से ये हवा को जब हम बाहर निकालते हैं वातावरण में तो एक्सपायरेशन, बाहर से जब अंदर की ओर खींचते हैं तो इंस्पायरेशन। समझ में आ गया ना? चलिए इसको जरा नोट कर लेंगे। अब पहला नंबर में इंस्पायरेशन लिख कर रो दीजिए, दो दो पार्ट में लिख लिए, दोनों के बारे में लिख लिए ना। पहला नंबर में अंतः श्वसन लिख कर रो दीजिए, अंतः श्वसन। अब लिखिए अंतः श्वसन में, इसके दौरान यानी अंतः श्वसन के दौरान, जब सांस को अंदर लेते हैं तो इसके दौरान वायुमंडलीय या वातावरणीय हवा को, इसके द्वारा वायुमंडलीय हवा भी लिख सकते हैं, या हाँ ठीक है, या गैस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है? इसके दौरान वायुमंडलीय या वातावरणीय हवा को फेफड़े में अंदर खींचते हैं, फेफड़े में अंदर खींचा जाता है। इसके दौरान वायुमंडलीय या वातावरणीय हवा को फेफड़े में अंदर खींचा जाता है, हो गया? फेफड़े में अंदर खींचा जाता है। चलिए उसके बाद लिख लीजिए निःश्वसन, अब एरो देकर लिखिए, हो गया? अब लिखिए निःश्वसन में एरो देकर लिखेंगे, इसके दौरान वातावरणीय हवा को, सॉरी, इसके दौरान फुफ्फुसीय हवा, इसके दौरान फुफ्फुसीय हवा या फेफड़े से हवा को बाहर निष्क्रिय रूप से छोड़ा जाता है। इसके दौरान फुफ्फुसीय हवा या फेफड़े से हवा को
बाहर की ओर निष्क्रिय रूप से छोड़ा जाता है, को बाहर निष्क्रिय रूप से छोड़ा जाता है, हो गया, बाहर निष्क्रिय रूप से छोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आते हैं हम लोग, कुछ प्रोसेस देख लिया जाए इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा जी सर, ये इंस्पायरेशन में जब सांस को अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन के प्रोसेस में सांस को अंदर लिया जाता है। पहले तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई जो देख रहे हैं ये क्या है, ये डायफ्राम है, आ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पतला पतला सा यहाँ ये पसली है, फट्ठी लोग नहीं बोलता है, पसली तोड़ देंगे, ठीक है। तो रिब्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रिब, RIB, रिब, ऐसे ही रिब्स हो गया पूरा, तो यानी पसली, तो ये पसली हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो होता है, डायफ्राम डोम शेप का होता है। डोम शेप कहने का मतलब क्या है, गुंबजाकार, यानी गुंबद के आकार का, गुंबज ऐसा ही ना होता है जी, कोई भी गुंबज बनता है ऐसे ही ना बना हुआ होता है, तो गुंबज के आकार का होता है, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा, इसमें एक एक करके पहले हम लोग इसका प्रोसेस एक बार समझें कि इंस्पायरेशन जब भी होता है तो क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम कंट्रैक्ट्स, डायफ्राम क्या होता है जी, कंट्रैक्ट्स होता है, डायफ्राम में संकुचन होता है। सांस को जब खींचिएगा भाई, सांस को खींचते हैं तो अब क्या होता है जी, बॉडी में कैसा महसूस हो रहा है, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा वॉल्यूम बाहर की ओर नहीं फेंक दे रहा है। अरे सीने को जब फुलाना होता है तो सांस छोड़ के फुलाते हैं कि सांस को लेके फुलाते हैं, हाँ लेकर ना फुलाते हैं, छोड़कर, थोड़ी सांस छोड़ दीजिएगा तो बुढ़वा बन जाइएगा, सांस लीजिएगा तब जवान की तरह दिखिएगा क्या। तो सांस को जब अंदर की ओर खींचते हैं तो आपका जो ये लॉन्ग्स का जो एरिया, थोरेसिक कैविटी, सॉरी थोरेसिक कैविटी जो है ये बढ़ जाता है ना, आइए ऊपर की ओर पूरा का पूरा खींच जाएगा। अब देख रहे हैं ये एरो क्या दर्शा रहा है, रिब केज जो होता है, रिब मतलब होता है पसली, और केज मतलब होता है पिंजड़ा, यानी पसली का जो पिंजड़ा है पूरा का पूरा ये, यानी थोरेसिक कैविटी जो है, वक्ष गुहा जो है, ये क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाएगा, फूल जाएगा, है कि नहीं। ऑक्सीजन को अंदर खींचेंगे तो ये पूरा फैल जाता है, फूल जाता है। अच्छा ये गुंबज के आकार का हो जाएगा खूब अच्छा से, डायफ्राम, और जब सांस को छोड़ दीजिएगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, बस समझ में आया। अरे जब सांस को आप छोड़ दीजिएगा तो नीचे ना धस जाएगा, और जब नीचे धसेगा तो ये ऐसे चपटा फ्लैट हो गया, नीचे बैठ गया, बस समझ में आया, एकदम बराबर हो जाएगा बिल्कुल। सांस को जब ऊपर खींचे हैं तब ये इस तरह से गुंबज आकार बना हुआ है। तो अब इसमें कुछ प्रोसेस है, इसको एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं। डायफ्राम जैसे ही ये इंस्पायरेशन जैसे ही आप करिएगा, यानी सांस को जब अंदर लीजिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, यानी संकुचित होगा आपका डायफ्राम, मध्यपट संकुचित होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी संकुचन होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, आई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होता है। कोस्टल मसल्स दो तरह के होते हैं, ये मसल्स कहाँ है, रिब्स के बीच का मसल्स है, रिब्स के पास में, पसली के पास में, हड ये मांस खाए होइएगा ना, मटन तो इसमें से बहुत कम लोग खाते होंगे क्या, हाँ बहुत कम लोग खाते होंगे, तो मटन जब खाते होइएगा ना तो उसका रिबुआ जो है पसलिया थोड़े खाते हैं, पसलिया का तो निकाल के फेंक देते हैं, अब उसके ऊपर में मांस होता है, नहीं बोलते हैं कि ये सीना वाला पीस दीजिएगा, हाँ तो वो पसली वाला भाग देता है काट के, तो उसमें सीना वाला भाग को कैसे खोजिएगा, उसमें आपको पसली दिखाई देगा, इस तरह का पसली दिखेगा जी, तो मनुष्य का है ये, मत लगिएगा खोजने, ठीक है। अब उसके बाद पसली आपको दिखेगा, तो इस पसलिया को आप क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो कोस्टल मसल्स है, इंटर कोस्टल मसल्स उसको कहते हैं, इंटर कोस्टल मसल्स, और वो दो तरह से होता है, एक इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स, और एक होता है एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स। बाबू मोबाइल रख दीजिए, हेलो किसका फोन आ रहा है जी,
रोक दीजिए, घरे जाके बतैया लीजिएगा, मैसेज डाल दीजिए कि अभी क्लास में पढ़ रहा है, काहे डिस्टर्ब कर रही हो। इधर देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ कि डायफ्राम, बताइए डायफ्राम संकुचित नहीं करेगा, आप मोबाइल के चक्कर में रहिएगा तो। अब यहाँ क्या हो रहा है, डायफ्राम पहले कौन संकुचित हुआ, आज जब डायफ्राम संकुचित होगा तो उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब ये रिप्सुआ पे जो आपका मसल्स है ना, सोचिए ना आपकी, अगर मान लीजिए कि आपका डायफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होगा तो आपका ये बीच का मांस जो है इसमें तनाव नहीं आएगा, इसके मांस के बीच में तनाव आएगा कि नहीं, तो उसी को बोला गया है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी क्या होगा, संकुचन होगा, कंट्रैक्शन होगा। अच्छा, अब इसके दौरान ये क्या होगा कि वर्टिकल वॉल्यूम, वर्टिकल वॉल्यूम बोलने का मतलब हो गया एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस इंक्रीजेज, एंटेरियर पोस्टेरियर पहले इसको भी समझ लीजिएगा, ये क्या है, एक होता है देखिए एंटेरियर पोस्टेरियर वेंट्रल डोर्सल, ये बात जानते हैं आप लोग, एंटेरियर मतलब क्या होता है, अग्रभाग आगे की ओर, और पोस्टेरियर मतलब होता है पश्च भाग पीछे की ओर। तो ये क्या बोला हुआ है इसको समझिएगा, बोला है वर्टिकल वॉल्यूम, वर्टिकल वॉल्यूम बोलने का मतलब हो गया वर्टिकली, यानी कि एंटेरियर पोस्टेरियर, जैसे कि आगे और पीछे की ओर इसमें क्या होगा, संकुचन हो जाएगा आगे पीछे की ओर। और रिब एंड स्टर्नम, स्टर्नम कौन होता है जी, रिब्स के बीच का जो हड्डी होता है वो स्टर्नम हो गया, तो रिब्स के बीच का जो रिब्स के इधर रिब्स हो गया और उसके बीच में स्टर्नम होता है, तो रिब्स के बीच का जो स्टर्नम है यानी कि ये हड्डी हो गया, स्टर्नम हड्डी होता है जो फेफड़े, फेफड़ा में ये क्या बोलते हैं थोरैसिक कैविटी में होता है, ठीक है। अच्छा, तो रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप, रिब्स और स्टर्नम जो है ऊपर की ओर घिसक जाता है, लिफ्ट अप ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेज, थोरैसिक वॉल्यूम मतलब होता है वक्ष गुहा का जो आयतन है उसमें वृद्धि हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं जी, आयतन, आयतन मतलब समझ रहे हैं, अरे किसी बाल्टी के अंदर का जितना भाग होता है ना वो उसका आयतन हुआ, इसे समझिएगा। तो मान लीजिए कि थोरैसिक कैविटी है तो इसके अंदर का जितना खाली भाग है, जितना भी स्पेस है, वो सब आयतन हुआ उसका, तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा, जब आप सांस को लीजिएगा तो आयतन में वृद्धि हो जाएगा, और थोरैसिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा, थोरैसिक प्रेशर क्या हो जाता है जी, घट जाता है, थोरैसिक प्रेशर का मतलब समझ रहे हैं, थोरैसिक जब ये मान लीजिए कि इसमें फैलाव हुआ है, जब ये पूरा का पूरा फूल जाएगा, यानी आयतन जब बढ़ेगा तो आयतन के बढ़ने के कारण इसके बीच जो है प्रेशर, यानी अंदर की ओर प्रेशर थोड़ी होगा, अब जरा सोचिए, अरे अंदर की ओर गुब्बारा में आप हवा भरते हैं तब अंदर की ओर प्रेशर होता है कि हवा को छोड़ते हैं तब प्रेशर होता है, अरे जब आप अंदर की ओर सांस को लिए रहे हैं तो इसका आयतन बढ़ गया, जब आयतन बढ़ गया है तो ये अंदर की ओर प्रेशर नहीं बनाएगा, बस समझ में आया, अंदर की ओर ये प्रेशर नहीं बनाएगा, जब आप सांस को छोड़िएगा तब ये दबाव डालेगा, बस समझ में आया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड, हमारा फेफड़ा भी इसमें एक्सपेंड हो जाता है, ये भी चौड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। एंड पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीजेज, पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है फुफ्फुसिया आयतन भी बढ़ जाएगा, मतलब पूरे ओवरऑल फेफड़े का आयतन बढ़ जाएगा, काहे भाई, काहे कि उसमें ऑक्सीजन भरे हुए हैं आप, तो ऑक्सीजन फूलना जाहिर सी बात, सॉरी फेफड़े का फूलना जाहिर सी बात है, ठीक है, ऑब्वियसली फूलेगा। अब देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, थोरैसिक प्रेशर भी घट गया और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी घट गया, जिस तरह थोरैसिक कैविटी में ऑक्सीजन जब बढ़ जाएगा तो ऊपर की ओर संकुचित हो जाएगा, तो दबाव अंदर की ओर नहीं होगा, इसमें प्रेशर अंदर की ओर नहीं होगा, वो घट जाएगा। उसी तरह फेफड़ा में भी, फेफड़ा भी जब फैल जाएगा फेफड़ा भी फूल जाएगा, अरे सांस आप लीजिएगा तो फेफड़ा फूलेगा, जब फेफड़ा फूल जाएगा तो अंदर की ओर दबाव जो है प्रेशर उसमें भी घट जाएगा। अच्छा, उसके बाद एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, अब एयर क्या होगा जी, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, अब एयर चूंकि जब इसमें भर जाता है ना तब ये बाहर निकलता है, तो अब एयर जो है ये बाहर की ओर निकलने लगेगा, किससे, इनटू द लंग्स यानी फेफड़े से, अब एयर बाहर की ओर निकलेगा। अब उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो एक्सपायरेशन की होगी, बात समझ में आया, तो एक्सपायरेशन में इसके जस्ट उल्टा हो जाता है, क्या कि आप सांस को तो छोड़ दिए ना,
तो जब सांस को आप छोड़ दीजिएगा तो अब धीरे धीरे जो है आपका आयतन घट जाएगा। बस समझ में आया, ये इसके बीच प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तब ना जल्दी से ऑक्सीजन वहाँ खाली होगा, एयर खाली होगा। गुब्बारा को देखते हैं, गुब्बारा में प्रेशर बढ़ जाता है जब हवा निकलता है, तब प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है इसीलिए तो गुब्बारे से हवा निकाल के रख दीजिए कहीं, उड़ने लगता है ऐसे, भागने लगता है, उसमें दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर जो है बढ़ जाता है। चलिए इसको एक बार आप नोट करिए, हम फिर से एक बार समझा देते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है, पहले हेडिंग डालिएगा क्या, इंस्पायरेशन, पहला नंबर में, पहला नंबर में इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन। चलो कोई बात, आएंगे एक बार इसको समझ लिया जाए। देखिए क्या बोला है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, सबसे पहले सांस को हम जब बाहर से अंदर की ओर लेते हैं, तो श्वसन को जब अंदर की ओर लीजिएगा तो आपका जो थोरैसिक कैविटी होता है यानी वक्ष गुहा जो होता है, इसका आयतन बढ़ेगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल EICM, इसको शॉर्ट में हम लोग EICM बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसमें भी कंट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। सबसे पहले हमारा डायफ्राम कंट्रैक्शन होगा, संकुचित होगा, ऑक्सीजन को जब अंदर लेंगे तो डायफ्राम में संकुचन होगा। डायफ्राम में संकुचन होने से डायफ्राम में इधर संकुचन हुआ, और दूसरे तरफ में क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी संकुचन होगा। इससे एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस भी बढ़ जाएगा, हमारा आगे पीछे का जो भाग होता है ये भी बढ़ जाएगा, उसमें भी इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि ये फूल ना जाता है जी, थोड़े सी कैविटी हम लोग का पूरा वक्ष गुहा, ये आगे और पीछे के पोर्शन से क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। और रिब्स और स्टर्नम जो होता है यानी हड्डी पसली जो हुआ, ये थोरेसिक कैविटी का ये क्या हो जाता है, लिफ्ट अप, ऊपर की ओर घसक जाता है, ऊपर की ओर घिसक जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, और वॉल्यूम जो होता है इसका आयतन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ये तो आपको बताए हैं क्या, एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में, ये हो गया डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ये डोर्सो अब वेंट्रल एक्सिस में ये भी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप, तो लिफ्ट अप करने का मतलब हुआ डोर्सो वेंट्रल एक्सिस भी वैसे ही डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, मतलब मान लीजिए कि आपका यहाँ स्टर्नम है, ये रिब्स है, तो रिब्स और स्टर्नम जो है ये क्या हो जाएगा जी, लिफ्ट अप, ऊपर की ओर जब घिसकेगा, ऊपर की ओर घिसका, तो ये डोर्सो वेंट्रल में ना आया, ये पार्ट नीचे की ओर डोर्सो डोर्सल पार्ट होता है, ऊपर की ओर वेंट्रल पार्ट होता है। बस समझ में आया, नीचे डोर्सल, ऊपर वेंट्रल, आगे एंटेरियर, पीछे पोस्टेरियर। बस समझ में आया क्या, देखिएगा ये एंटेरियर, पीठ की ओर पोस्टेरियर, ये वेंट्रल, नीचे डोर्सल। तो आपका क्या क्या बढ़ रहा है इसमें सर, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की ओर घिसक रहा है, तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो किसको यानी कैसे जा रहा है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में ऊपर जाएगा, तो वहीं लिखा हुआ डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। अच्छा, अब थोरेसिक वॉल्यूम भी इसमें बढ़ जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम मान लीजिए जब ऊपर की ओर भी बढ़ रहा है, फैल भी रहा है, संकुचन हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया जी, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और थोरेसिक वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ थोरेसिक प्रेशर वह घट जाता है, अंदर की ओर दबाव नहीं होगा, अंदर की ओर सॉरी क्या बोलते हैं, प्रेशर जो है ये घट जाता है, थोरेसिक का प्रेशर जो है ये घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो दबाव प्रेशर घट जाएगा, अगर प्रेशर भी बढ़ जाए तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा। अच्छा एक बात, मान लीजिए अंदर से कोई प्रेशर कर रहा है तो क्या बाहर से कोई चीजें अंदर आएगा, नहीं आएगा, तो उस समय प्रेशर भी घटना होगा, तो ये थोरेसिक प्रेशर भी घट जाता है, लंग्स जो है एक्सपेंड हो जाएगा, हमारा फेफड़ा फैल जाएगा, फूल जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और फुफ्फुसीय हवा वायु आयतन जो होता है यानी कि हमारे ये लंग्स के अंदर का जो आयतन होगा ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये घट जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलने का मतलब होता है फुफ्फुसीय दाब, फुफ्फुसीय दाब जो होता है ये भी घट जाएगा, क्योंकि अगर फुफ्फुसीय दाब नहीं घटता है
तो बाहर से कोई चीजें नहीं अंदर प्रवेश करेगा। अंदर से कोई आपको दाब लगा रहा है, अंदर से बाहर की ओर कोई दबाव डाल रहा है, तो क्या बाहर से कोई अंदर आ पाएगा? नहीं आएगा ना। उसी तरह से ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि अंतः फुसिए दबाव जो होता है, दाब जो होता है, ये भी घट जाता है। और तब एयर जो है मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, तब एयर जो होता है बाहर से हमारे लंग्स में पूरा बल पूर्वक प्रवेश करता है। शायद पिछले बार में हम जल्दी में बोल दिए हैं कि एयर जो होता है ये लंग्स से बाहर निकलता है, नहीं निकलेगा थोड़ी, अभी अंदर हम लोग ले रहे हैं ना, अंदर आएगा। और फिर उसके बाद अब यहाँ से जब अंदर की ओर भर जाएगा तब अब यहाँ से शुरुआत होगा एक्सपायरेशन का। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, इसको यहाँ तक आप लोग कवर कर लेंगे।